अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज लेकर आई हूँ दोबारा से एक न्यू टॉपिक। टॉपिक है मोशन। साइंस टॉपिक मोशन। व्हाट इज मोशन? वी नो अबाउट दिस। रुकिए, मैं आप लोगों को मोशन की डेफिनेशन लिख कर दूंगी। मैं ऐसे पकड़ूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोगों को भी दिखे ना मोशन। मैं पेंसिल से लिखूँ क्योंकि पेन से थोड़ा रफ लिखता है, शायद आप लोगों को समझ में आए। तो मोशन, मोशन क्या है मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी। एनीथिंग अराउंड अस दैट मूव्स we can say that that is in motion. Anything around us that moves we can say that is in motion. motion क्या है? जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हो। मैं आप लोगों को इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बता देती हूँ। ये था फर्स्ट और ये है सेकंड। मोशन इज डिफाइंड अस चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। मोशन इज डिफाइंड अस चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। मतलब कोई मोशन ये डिफाइन करता है, कोई पोजिशन चेंज करता हो टाइम के साथ। मोशन के कुछ टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं मेरे पास। types of motion, rectilinear or linear motion. तो मैं एक साथ डेफिनेशन लिख लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मोशन इज अ स्ट्रेट line when objects is moving around the straight path, around the straight path. Read लीनर और लीनर मोशन क्या है? मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड अ स्ट्रेट पाथ। लीनर और इनके दो नाम है, लीनर मोशन भी कह सकते हो, रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हो। इसका ये मतलब है, मतलब कोई मोशन जो सीधी लाइन पे मूव करती हो, जैसे कि फुटपाथ्स हैं। मतलब एक रोड है, उस पर गाड़ी जा रही है स्ट्रेट, ना उस पर कोई मोड़ है, ना उस पर कोई टर्न है, ना कुछ है, बस फुल स्ट्रेट जा रही हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, अ मार्च पास्ट ऑफ सोलिटर्स इन ब्रेड। जैसे हम लोग असेंबली करते हैं स्कूल्स में, अक्सर देखा होगा असेंबली होती रहती है, तो उसमें फुल स्ट्रेट लाइन हुई होती है, फुल स्ट्रेट, जितनी भी बड़ी हो लेकिन फुल स्ट्रेट होनी चाहिए। लीनियर मोशन का मतलब यह है, स्ट्रेट लाइन।
अभी मोशन की मैं आप लोगों को दोबारा एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी एग्जांपल लिख कर दूंगी, नहीं अभी दे देती हूँ। हमारे एट गेट जो घूम रहे थे, जैसे मैंने कहा एग्जांपल लेती हूँ, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, वो हमारे एट दो गेट फ्लाई कर रहे हैं ना, और प्लैनेट्स भी हैं, प्लैनेट्स का भी कोई एग्जांपल है, जैसे पैडल का मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया वैसे ही, तो इसका मैंने दे दिया। एक और मेरे पास मोशन की दूसरी टाइप है, रोटेट ट्री मोशन। क्या है ट्री मोशन, मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ फिर मैं आप लोगों को साथ साथ समझाती हूँ। मैं आप लोगों को दो दो लिखवा रही हूँ डेफिनेशन, जो आप लोगों को आसान लगे वो ही आप लोग लिख लेना। मोशन दैट हैपन्स when an object rotates or spin on an axis rotatory motion का ये मतलब है क्या हैपन करता है, वो ये हैपन करता है एक ही मतलब ऑब्जेक्ट एक ही मतलब स्पिन करता हो एक ही एक्सिस में, जैसे कि व्हील यूँ गोल गोल घूम रहा है और फैन को देखा है जस्ट मूविंग गोल 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 गोल, जो चीज़ गोल गोल मूव करता रहे उसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। हमारे पास इसका तीसरा टाइप है, वो है पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट्स इन इंटरवल्स ऑफ टाइम times or time, example hand of clock are swimming in a motion, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। ये मैं आप लोगों को दोबारा दिखाती हूँ, पीरियडिक मोशन मैं आप लोगों को भूल गई समझाना। पीरियडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पीरियडिक मोशन वो है जो रिपीट होता रहता है, जैसे कि क्लॉक्स में आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा जिसके इर्द यूँ मतलब यूँ करके घूम रहा होता है। मैं पिक्चर दे देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चौथा है हमारे पास, फोर्थ इज इनफ, फोर्थ है ही नहीं मेरे पास, एक और है दूसरा टॉपिक, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगी ज़रूर। तो जो समझ में ना आए आप लोगों को प्लीज़ काइंडली कमेंट में बता दीजिए, थैंक यू करता हूँ। और जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों ने समझना है तो वो भी आप लोग कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को समझा दूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।